नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ अभी छोटू बिहारी जी भोजपुरी सिंगर जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं, इनके कई सिंगर गाना है जो वायरल हुआ है, उनसे हम सुनने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या। उन पर कई आरोप भी है, उनको भी हम बात करेंगे। पहले तो छोटू बिहारी जी, आप हमारे एसटीजी न्यूज चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू बिहारी जी, आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक आपका गाना बहुत वायरल हुआ है, जैसा कि घर ही में प्रेम लगाई हमार पिया बहरी न जाई, ये गाना हम चाहेंगे कि आप ऑडियंस को सुनाए। ये गाना आपका काफी वायरल हुआ है, आप इस गाना का कुछ शब्द सुनाए ऑडियंस को। सबसे तो पहले हम छोटू बिहारी एसडीजी न्यूज चैनल परिवार के सबके तमाम भोजपुरी श्रोता समाज जहान के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते, आभार व्यक्त करते एसटीजी न्यूज चैनल परिवार का। आज हम रखे आप सबके बीच ले रहे एक बार छोटू बिहारी जी, बिल्कुल थैंक यू। हमारा चैनल भी आपको, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वो गाना सुनाइए जो आपका गाना काफी वायरल हुआ है और आप रातों रात स्टार बना दिया वो गाना ने। आप वो गाना ऑडियंस काफी हमसे डिमांड करती थी कि छोटू बिहारी जी से वो गाना जरूर गवाइए, लाइव लेकर आइए, क्योंकि उनको शक है कि ये गाना किसी की और की है। तो हम इस गाने के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नहीं, ये गाना छोटू बिहारी का ही है और छोटू बिहारी जी से हम लाइव हारमोनिया से सुनने की कोशिश करते हैं, उसी स्टूडियो से जो दिव्यांग स्टूडियो है, वहीं से हम इनसे टेलीकास्ट कर रहे हैं और ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छोटू बिहारी जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप वो गाना सुनाइए हमें। क्या बात है छोटू बिहारी जी, आगे बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, हमार पिया बहरा न जाई,
क्या बात है छोटू बिहारी जी, आपने तो एकदम समा बांध दिया। छोटू बिहारी जब आपको स्टेज से ऑडियंस आपको बोलता है, कोई बोलता है कि जियो से जवान, तो आपको कैसा लगता है ये? हमारे कमेंट में अक्सर लोग लिखा जियो से जो, तो हमारा ये झल है ये भाई हमारे को बहुत ज्यादा पर्सनालिटी हाई है ये नहीं थे, हेल्दी है ये नहीं थी, आज जानवर मैंने सिर है ये नानी, जंगली जी भैया नानी, तो जियो से जब कमेंट आवे ला तो हमारा बड़ा हंसी छूटेला, लेकिन वो का समझ के ऑडियंस लोग मैंने श्रोता बंधु लोग लिखे ला उन लोग जॉन को सिर कहो बाघ कहो बकरी कहो हमारा मंजूर था, हमारा कोनो दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारा बड़ा हंसी छूटेला भैया ना हम जंगल में रहे ना जीव बनी ना पर्सनालिटी वाला बनी, तो हमारे के जीव सिर जीव खाए लिखेला। छोटू बिहारी जी आपकी आवाज में दम है, इसलिए उस आवाज में जो आपके गला में है जो ताकत है आपके अंदर, जिस एनर्जी के साथ गाते हैं, उनके लिए ऑडियंस आपको प्यार करती है। उनके पास शब्द नहीं है तो ऐसे शब्दों को आपको प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ही होता है ना, शेर आगे की तरफ दहाड़ते हुए जाता है, उनका कंपेयर ऐसे होता है। छोटू बिहारी जी आप तो रातों रात स्टार बन गए, आपने काफी आपके टिकटॉक पर काफी वीडियो भी बना, आपके कई सारे लोगों ने सराहा भी, तो इसी के बीच आपका जो दूसरा गाना जो हम आपसे सुनना चाहूंगा कि घर में रहो ना ये सोना, ये गाना आपका, ये भी गाना काफी कोरोना के ऊपर आपने गाया था, ये भी बहुत फेमस हुआ था गाना, मैं चाहूंगा कि इसका भी कुछ शब्द आप ऑडियंस को गाने के माध्यम से इसको सुनाएं। जी हमारे कोरोना के जितना भी हम समाज सेवा के गीत गाने सब दिव्यांग स्टूडियो चंदवा से गाने सब ऊपर लिखा भी रहला, आज भी उनके स्टूडियो में बानी जाए हमने घरेलू घर के ही बानी जाए आराम है उनको नया नया दिया
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है छोटू बिहारी जी, आपको वाकई में आने वाला टाइम का भरत शर्मा है। हम नहीं, हमें भी सुनकर, हम भी उसी बिहार से आते हैं, उसी जगह से आते हैं, और उस दोनों दौर को हमने देखा है, उस दौर को भी देखा है भरत शर्मा जी के दौर का। आज भी वो हैं और आप भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोकगीत का संगीत का अगर कोई इसका आगे चलकर इसकी खूबसूरती को निखारेगा, वो मेरे, मुझे लगता है, बाकी ऑडियंस को डिसाइड करना है, कि मुझे लगता है कि एक छोटू बिहारी ही है जो कि अभी तक ऐसे संस्कार को, ऐसे गीत को लेकर समाज में, कोरोना को लेकर हर तरह से एक साफ सुथरी छवि अपना बनाया है, जैसे भरत शर्मा जी ने बनाया है। कोई अश्लील गाना नहीं, एक समाज को सीधा टच करने वाला गाना होता है, वैसे गाना आप गाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका, हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, सलूट भी है। छोटू बिहारी जी, आपका एक स्ट्रगल दौर जब था आपके साथ, जब आप सोचते थे कभी मैं भरत शर्मा बनूं, उस समय आपके गांव में एक पहलवान जी रहा करते थे और कहा कि आप, उन्होंने कहा कि चलो, भोजपुरी में उन्होंने बोला कि चल हम तोरा के स्टेज पर ढकेल दे। वहां मैंने, मतलब कहने का मतलब ही है कि वहां जब वो गए तो पता चला कि पहलवान जी कहीं और आप कहीं और, आपका सपना वहीं टूट गया। वैसे में तमाम लोग ऐसे संगीतकार होंगे जो अपना हौसला छोड़कर कि नहीं यार ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं, फिर भी आपने हौसला नहीं हारा और आज आप उनके कंपेयर में, मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस जगह पे आप जरूर अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भैया? गौरव तो बिल्कुल इसे ना, हम तनाव फैन बने, हम भी कंपेरिजन नहीं करा, लेकिन गौरव रजत शर्मा जी ने कहा पूरा खोज खबर लेके तीखा सवाल सब पूछा था, हम मिठाई में दम लपेट के चलिए आपके बर्तन है, लेकिन पत्रकार का काम होता है कोशिश कुछ के अंदाज से होना, क्योंकि आपके हम लोग फैन है, आपको हम लोग देखते हैं चैनल पे भैया। तो वो एक बात दरअसल ऐसा हुई है कि 1996-97 में भरत शर्मा जी के प्रोग्राम रहे खनिता रोहतास में, मुझे खनिता चौक पर महात्मा जी करोले लगे, हमारे गाँव में पहलवान जी से कहने की भैया मुझे कुछ से मौका मिले जितना देना स्टेज वाला खड़ा होने फेंका जी तुरंत टांग के स्टेज वाला बतवा दे चंदन या चुरावरा अपन लेके चंदन या जा के दिन रहे सरस्वती पूजा रहे याद आगे चंदन या ऊर्जा फिर मौका मिलल भोजपुरी के चर्चित राइटर एगो राज बहादुर राय जी ने, चूंकि एक बार खरौनी में भोजपुरी के बहुत प्रतिष्ठित कलाकार नथुनी सिंह जी के स्टेज पर हमारे गावे को मौका मिला, तो जो वहां से बच्चे भेजे आई प्रकार हम हमारे बने पहलवान जी के साथ थे, बाकी कहला चढ़ा दे एक पैक मारा तो सब कोई हट जाइए चौड़ और देखियो कि हट गिलन का गिलन हम पढ़ गए। क्या बात है, लेकिन एक बात उसमें है, अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो आपको भीड़ में दिखाया, आपको सपना को साकार कराने की कोशिश कराए, वो चाहे आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचे, लेकिन स्टेज के पास जाकर खुशबू तो ले लिए कि लाखों की भीड़ है,
आपने इस चीजों को महसूस तो किया होगा, नहीं तो कम से कम अगर ना रही तो हम जिसे जो हमारे के प्रोत्साहन दे ली उगरा खाली तो उनके सहयोग हम आज वो कर ला आज वो हम कर मानी ला आर्मी में नौकरी कर ले लाखों का भीड़ के बीच आपको कम से कम लेकर तो आए इस बात जी, जी, जी ना भाई हमारा शर्मा के स्टेज तक चल गई वो अलग बात बात की वजह से हमारा के राज बहादुर राय से हमारा के स्टेज पर ले गई क्या बात है, इसी को बोलते हैं जज्बा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो नए सिंगर हैं वो जल्दीबाजी कोशिश ना करें, हौसला बना रखें। जैसे छोटू बिहारी जी ने 1997 की बात है, आज से 23 साल पहले आज आप ही के जैसा और हमारे जैसा भीड़ में थे, लाखों के भीड़ में थे और एक उनको कोई नहीं जानता था, और आज देखिए 23 साल बाद हमारे चैनल पे, और मेरे चैनल पर नहीं, आपको इनके वीडियो जो मैंने इनसे गाना आपने देखा है इनकी व्यूज देख लीजिए और कितने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। छोटू बिहारी जी मैं आपसे अगला गाना लूंगा, कहीं बिजली गिरी कहीं जरबे गरी, ये गाना भी ऑडियंस का है और मैं चाहूंगा कि ये गाना आप थोड़ा ऑडियंस को सुनाएं। क्या बात है छोटू बिहारी जी, ये बात सही है जो ऑडियंस आपको कहती है ना कि जो लिपसिंग करते हैं, ये बात 100% सही है कि आवाज में फर्क ही नहीं है तो लोग तो समझेंगे ना। हम भी तो अभी भी कंफ्यूज है, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, हम ही कंफ्यूज है कि हम भरत शर्मा के इंटरव्यू ले रहे हैं कि छोटू बिहारी के ले रहे हैं। तो उनका तो जब हमें पता है कि हम छोटू बिहारी के इंटरव्यू ले रहे हैं, गाना लग रहा है कि एकदम बिल्कुल आवाज भरत शर्मा की आ रही है, तो हम कैसे डिफरेंट करें जब हमें ही डिफरेंट करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो ऑडियंस तो कंफ्यूज रहेगी ना।
लेकिन इतना मैं दावे के साथ जरूर कहूंगा कि आपकी आवाज में वो दर्द है, वो भाव है बिल्कुल जो भरत शर्मा में दिखती है। एक गाना आपसे और लूंगा जो कि उस दौर से आज से 20 साल पहले की दौर है, उस जनरेशन से वो गाना आता है जो कि भरत शर्मा जी ने गाया था, उसी अंदाज में मैं कोशिश करूंगा कि वही अंदाज में आप गाना गाइए, जैसे कि गाना का बोल है गुरिया चांद की अंजुरिया जिसन गोर बड़ू हो। ये गाना 20 साल पहले का है, आप उस गाना को थोड़ा सा गाइए कि जिससे कि कंपेयर चले कि ये छोटू बिहारी और क्या है, थोड़ा सा आप बताइए। चलिए क्या बात है, आपने तो एकदम उस बचपन में उस जब मैं छोटा था तो ये गाना अक्सर मैं गाया करता था, ठीक है, और मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप लोग उसको अच्छे से गाते हैं, लेकिन उसका याद मुझे आज जरूर याद आ गया कि जो बचपन था आज मुझे वो चीजें बिल्कुल ताजा हो गया है। अच्छा छोटू बिहारी जी, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, जो रातों रात चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए, ठीक है, आप लंबे दौर से आते हैं, ठीक है, आपका 23 साल 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है आपने बताया है, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए कि रास्ता कितना आसान है और कितना मुश्किल है और क्या इसमें हमें करना चाहिए कि हम भी आगे चलकर एक अच्छा सिंगर बन सके। देखिए हम आजकल जितना नया कलाकार सब भाई लोग उसे हाथ जोड़ के बात तो उसी तो सभी का अश्लीलता के दौर में माने सभी अपन जिम्मेवारी है, दलिता भी सुधार भी होता, नंद कुमार बाबा जी छिड़ने भी बढ़े, लेकिन ये वो बात बाकी कुल कारण आवे ला तो इसकी हमार नाम होके प्रतिष्ठा होके कुछ रोजी रोटी चले, लेकिन आपन सभ्यता संस्कृति के नीलाम करके अगर कोई उपलब्धि मिला था तो ओकरा के सोचे के काम बा, जौन गीत हम अपन घर परिवार में बैठ के नहीं गा सकता, दूसरे के परिवार में बैठ के कैसे हम गा सकता है, जौन हमारा खराब लगता वो दूसरा के कैसे अच्छा लगता, तो वो लोग से ये कहा कि अश्लीलता से ऊपर उठ के संघर्ष करें, अच्छा गीत गावे वाला के पहचान परिवार बनल बा आज भी बनता, कोरोना महामारी में हम आजीवन अपना हमारा भी लोग ना सुन ले रहे, कोरोना महामारी में हम बहुत ध्यान रख रहे लोग सुन लिया छोटू बिहारी जी। एक चीज मैं और लूंगा आपसे क्वेश्चन कि आपका सेहत का क्या राज्य, आप इतने चेहरे पे आपकी लाइट रहती है, इस इतनी एनर्जी के साथ आप पूरा गाना गाते हैं, ठीक है, ये क्या इसके पीछे की राज है, ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप ऐसे कैसे करते हैं, अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, इतना बिल्कुल यंग दिखते हैं आप भैया। जैसे सब खाता दाल भात चोखा मार भात चोखा लीची फेवरेट
सब बोलते हैं ऑडियंस, सब ऑडियंस बोलते हैं कि जिम जाते हैं, योगा करते हैं, डाइट अच्छे अच्छे खाते हैं, लेकिन कैमरे पर आकर सच नहीं बताते कि ऑडियंस भी वैसे ही दिखने लगे। अरे ना भैया ऐसा बात नहीं है, हम पैदल खूब चले जाए, वंशी से मान लेना कि चीन ना पावेला, हम पैदल डेली मोबाइल में वो एक आदमी सेट कर देगा कॉपी में, चल हम चल रहे रोज हम 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अच्छा कोई रास्ते में चलते हुए मिला कि छोटू बिहारी जी को गाना सुना दीजिए जो आपका गाना फेमस, ऐसा कुछ आपने कभी टिप्स की कहीं जाते हुए आपको कोई ऑडियंस देखी हो? कहते नहीं, ट्रेन में बारी, ट्रेन में जाता हूँ मैं, ट्रेन में भीड़ में बैठा मैं, खड़ा बारी में तनी गुनगुना भाई मैं बजाया जा, कितना अंदर से खुशी होता होगा कि चलिए मैं ट्रेन में भी लोग मेरे चाहने वाले हैं, जो पहचानने वाले हैं। अच्छा पता है खुशी तो होगा, लेकिन हम ट्रेन में गाना गावे होगा वो करते या तो ट्रेन में हम गाना गावे लगे देखिए ऑडियंस तो कहीं भी डिमांड कर सकती है, जब इसका मतलब आपकी ऐसी पॉपुलरिटी ट्रेनों में रास्ते में होता है तभी पहचान होती है। मोबाइल रात में घूमना छोड़ दिया 1 बजे रात का फोन आ जाए, हो गया हो रहा गाना सुना हो तो पता ही, बगल में परिवार के बच्चा सोया है, परिवार लोग है। सर लेकिन दर्द समझिए ना कि ऑडियंस आपको रात को 2 बजे प्यार करती है, इस बात को समझिए, बाकी आपके लिए डिस्टर्ब हो सकता है लेकिन ऑडियंस आपके लिए रात में सोच रही है, जिनके पास सोचने के लिए समय नहीं है वो कुछ और सोचते हैं, कुछ अच्छी मोबाइल पर कुछ और क्लिप देखेंगे, लेकिन छोटू बियाली भी याद कर रहे हैं, इस शब्द को समझ रहे हैं इसका मतलब कितना प्यार है। चलिए छोटू प्यारी जी, आप इसी तरह से समाज के लिए अच्छा करते रहिए, और मेरी तरफ से एसटीजी न्यूज चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और एसटीजी न्यूज चैनल पर। हमारी तरफ से दिव्यांग स्टूडियो संतोष नेहा जी की तरफ से तमाम एसटीजी न्यूज चैनल के सब परिवार, भोजपुरी समाज को प्रणाम। थैंक यू सो मच छोटू प्यारी।